जय हिंद फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज कैंपस। मैं हर्ष आनंद आ चुका हूँ एक नई इंस्टीट्यूट की वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंटल कॉलेज ऑफ जो आजमगढ़ की डेंटल कॉलेज है उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है लखनऊ और ये रिकॉग्नाइज है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी BDS, MDS और MBBS की सीरीज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हमने कुछ वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप जल्दी में हो तो हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस से कॉन्टैक्ट करके भी अपडेट ले सकते हो। आप अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हो। किसी भी तरह का प्रॉब्लम किसी भी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग अगर आप फेस कर रहे हो तो हमारी जो टीम है कॉलेज टू कैंपस की वो 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। आप उनसे कॉन्टैक्ट करो और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं हम आजमगढ़ डेंटल कॉलेज का। तो ये जो लोकेशन इसका है ये चंदेश्वर आजमगढ़ में लोकेटेड है। ईयर 2005-06 में एस्टैब्लिश हुआ था। एफिलिएटेड है ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अप्रूव्ड है DCIC यानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से और कोर्सेज ऑफर करती है BDS और MDS यानी कि बैचलर इन डेंटल साइंस एंड मास्टर इन डेंटल साइंस। एग्जाम इसका नीट UG। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। काउंसलिंग कंडक्टेड अथॉरिटी यहाँ पे क्या है DMET यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लखनऊ। फैकल्टी काउंट 136 है। अब इसमें थोड़ी सी प्लस 5 आप ऊपर नीचे कर सकते हो, प्लस माइनस 5। और कैंपस का साइज 30 एकड़ का इसका कैंपस है। तो चलिए इस वीडियो में हम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम आपसे बायस्ड होकर के शेयर करने नहीं जा रहे हैं। जो भी रियलिटी होगी वो हम आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे इस वीडियो का कंटेंट रहने वाला है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिविटी, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है, कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एडमिशन रिव्यू, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, मेरा POV क्या है, मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी प्रेफरेंसेस क्या होती वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। अगर आप चलो इस मोड में कंफर्टेबल हो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप विजिट करके भी हमारी टीम को मिल सकते हो कोलकाता ऑफिस। साथ में आप हमें कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, मैं आपको बता भी दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो उस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल ड्रॉप कर सकते हो। हमारी जो टीम है 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। कभी भी आपको मिसकंसेप्शन में नहीं पड़ना है। हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना। हमारा मेजर मोटिव इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के पीछे कि आप अपने कैरियर का 5 ईयर्स और 4 ईयर्स जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए। जो आपके 5 ईयर्स या 4 ईयर्स जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लोकेशन देखें तो डेंटल कॉलेज कैंपस चंदेश्वर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। डिस्टेंस नियरेस्ट बस स्टेशन से स्टॉप से देखें तो ये है 8 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन का हम देखें तो यहाँ पे ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। साथ में 76 है एयरपोर्ट से, तो बाय ट्रेन और बाय बस ज़्यादा कंफर्टेबल आप होने वाले हो बाय ट्रैवलिंग, क्योंकि वो थोड़ा नज़दीक पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मेडिकल मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, हॉस्पिटल, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एंड कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया, लैबोरेटरी, OPD फैसिलिटीज़, ब्लड बैंक और जो भी आपकी डे टू डे लाइफ की बेसिक नीड है, जो बेसिक नीड बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी फैसिलिटीज भी आपको विद इन द कैंपस इनसाइड द कैंपस मिलने वाली है। कोर्सेस अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे BDS यानी कि बैचलर्स इन डेंटल साइंस, तो 5 ईयर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप्स, 100 सीट्स यहाँ पे है और BDS 10+2 पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ विद 50%। और अगर आप ये है जनरल के लिए और OBC के लिए 40% प्लस भी है तो आपकी हो जाएगी यहाँ पे एडमिशन। और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी चल रहा है MQ के अंडर, मैं आपको फिर से बता दूं कि इन कॉलेजेस में, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप यहाँ पे एडमिशन लो। सबसे पहले आप चेक करो कि इंस्टीट्यूट आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है कि नहीं, आपकी जो भी पैरामीटर्स है उस पर स्टैंड बाई करती है या नहीं, देन ओनली आप यहाँ पे एडमिशन लेना। अब MDS की बात करें तो MDS में स्पेशलाइजेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे से आप अलग अलग कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, पेरियोडोंटोलॉजी, ऑर्थोडेंटिक्स, है ना। तो ये जितने भी कोर्सेज मैंने मेंशन किया है ये 3 ईयर्स के ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं। सीट भी इधर मैंने मेंशन कर दिया है तो इनसे आप कर सकते हो स्पेशलाइजेशन आजमगढ़ डेंटल कॉलेज से। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखें तो BDS डिग्री और इक्वेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आई होप कि ये तो आपको पता ही होगा। सो कोर्सेज की फ़ी यहाँ पे देखते हैं, फी स्ट्रक्चर कैसा है इसका। ट्यूशन फी 2,93,000, अराउंड 10 लाख के अराउंड आपको पड़ेगा, 10 लाख थोड़ा प्लस माइनस 1 लाख। और हॉस्टल फी 85,000, 1,05,000 हॉस्टल फी AC का है और ये 85,000 नॉन AC का। ट्यूशन फी MDS का 7,07,000 है ना, 7,07,100 और 87,000 इसकी AC की, नॉन AC की, और AC की 1,05,000 और ये सिक्योरिटी मैंने मेंशन कर दिया। तो इन सब में चल रही है अभी
डायरेक्ट एडमिशन एमक्यू के अंडर अगर आप स्टैंड बाई करोगे तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। साथ में और भी कॉलेजेस हैं तो आप उन सब कॉलेजेस में भी अगर इंटरेस्ट है तो आप पहले चेकआउट करो चैनल पे विजिट करके, आप हमें कॉल करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो हमें फिजिकल मॉड्यूल में विजिट करके कोलकाता ऑफिस, वहाँ पे भी हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। हमारा मेजर मोटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के पीछे कि ताकि हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प कर सकें, आप किसी मिसकंसेप्शन में पढ़ के एडमिशन नहीं लो। मोड ऑफ एडमिशन देखें तो ऑनलाइन और एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी और नीट पीजी के बेसिस पे होता है। काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है कि अगर आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करोगे जो कि ऑलरेडी हो चुका है तो उत्तर प्रदेश नीट एमडीएस काउंसलिंग कंडक्ट करती है जो कि डीएमईटी आता है, लखनऊ में है, जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वो सारा कुछ देखती है। तो अगर आपको लगता है काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करो, वो बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प करेगी। आपको जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर इंडिया, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। किसी भी तरह का कोई भी क्यूरी आ रहा है आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग तो वहाँ पे भी हमारी टीम आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। अब रिव्यूज देख लेते हैं जो हमने कॉन्टैक्ट किया है स्टूडेंट से, जो हमें फीडबैक्स मिले कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। आप ये नेट पे भी चेक कर सकते हो इंटरनेट पे पिक्चर्स, वेल इक्विप्ड एंड मॉडर्न एमिनिटीज सच एज कंप्यूटर लैब प्रोजेक्टर, ये सारी फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सेपरेट गर्ल्स और बॉयज का हॉस्टल भी यहाँ पे मिलेगा और उसका गुड मैनेजमेंट भी है। स्पोर्ट्स का अगर हम सेक्टर देखें उसमें भी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है, लाइक पढ़ाई के साथ साथ कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स के फील्ड में। और उससे भी बढ़िया जो मुझे लगा कि यहाँ के जो फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छे हैं, फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छी है, उनका बिहेवियर मुझे अच्छा लगा, उनका जेस्चर मुझे अच्छा लगा। तो ये एक मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस थी। और पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना बता दूं कि नीट यूजी पीजी के थ्रू अगर आपका एडमिशन हो रहा है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर्स, आप अपने फ्यूचर में अच्छा करो, यही मेरी विशेस है आपके साथ। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो या एमक्यू के अंडर लेना चाहते हो, डायरेक्ट एडमिशन या फिर जो एमक्यू होती है मैनेजमेंट कोटा उसके अंडर एडमिशन लेना चाहते हो, तो कभी भी मैं हर वीडियो में आपसे रिपीट करता हूं कि किसी के कन्वीनियंस में आके हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ एडमिशन मत लो। आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या फिर जो भी जहाँ पे भी आप एडमिशन ले रहे हो, हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ कभी एडमिशन नहीं लेना है। पहले आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर करो, आप कॉन्टैक्ट करो, आप हमें विजिट करके मिल सकते हो, आप हमें कॉल करके डिस्कस करो, उसके बाद आप खुद इंटरनेट पर सर्च करो, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आप अच्छे अच्छे वेबसाइट्स पर चेक करो, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देखो, ऑफिशियल वेबसाइट्स चेक करो, उसके बाद आप हमसे कॉन्टैक्ट करो। हमारा मेजर मोटिव है आपको बिल्कुल ऑनेस्टली हेल्प करना, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पे फिर हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प करेगी। edutech1211@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। 9907943650 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। मैंने आपको बता ही दिया है कि आप विजिट करके भी कोलकाता ऑफिस हमें मिल सकते हो, वहाँ पे भी हमारी टीम आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है, वो भी 24/7 आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो भी किसी भी तरह का क्यूरी फेस कर रहे हो, साथ में मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ, लाइव सेशन में भी आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, मीटिंग में जूम मीट से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस रख सकते हो, हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका आंसर करेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम बायस होकर के शेयर नहीं करने वाले आपसे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, मुझे भी पता है कि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं, आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हो, तो ताकि आपका जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी क्राइटेरिया है, जो आपका पैरामीटर्स है, वो सब कुछ फुलफिल होना चाहिए, देन ओनली आप वहाँ पे एडमिशन लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।